मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद वाले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैथिक प्रोनाउन के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम आपको जो शेष प्रोनाउन बचते हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है, तीन प्रोनाउन हो गए, चौथा नंबर आता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी संकेतवाचक सर्वनाम होती है। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग संकेत देने के लिए होता है, चाहे वो पास की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, चाहे एक वचन के रूप में हो या बहुवचन के रूप में हो, तो जिसका प्रयोग संकेत देने के लिए होता है वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। अब यहां दिस क्या है आपका? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद में दूसरा, दिस इज अ चेयर। अब इसमें दिस क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट। इसी प्रकार जब दूर की वस्तु के लिए बात करेंगे, दैट इज अ फैन, ठीक है, दैट इज अ फैन, यानी ये दूर की वस्तु के लिए है, तो दैट यहां पर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद में अगर ये तो सिंगुलर नंबर के रूप में यूज हुआ दिस और दैट का, इनका प्रयोग हम प्लूरल नंबर के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। अब यहां दीज का प्रयोग पास की अधिक वस्तु यानी प्लूरल नंबर के रूप में किया गया है, अधिक वस्तु के लिए किया गया है, तो यहां पर दीज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरा, दोज आर फैंस, अब यहां दोज का प्रयोग, ये दैट का प्लूरल है और दिस का प्लूरल दीज है, राइट। तो यहां पर दोज जो है संकेतवाचक सर्वनाम अर्थात डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये चार वर्ड आपका दिस, दैट, दिस, दोज, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग संकेत देने के लिए, चाहे वो पास की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, डेमोंस्ट्रेटिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम। हाँ, देखिए दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम। तो इसमें नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, जब कुछ में से प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, इसलिए इसको प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स went there, each of the students went there, यानी प्रत्येक स्टूडेंट वहां गया। अब यहां इसकी इस हिंदी क्या आ रही है? प्रत्येक स्टूडेंट वहां गया। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी बोला जाता है, ठीक है, इसकी हिंदी विभाग वाचक सर्वनाम होती है, लेकिन इसको प्रत्येक वाचक सर्वनाम भी बोला जाता है।
दूसरा एग्जांपल देखिए, इधर आर बुक्स ऑफ बुक्स कैन हेल्प मी, सभी पुस्तकें, ये सारी पुस्तकें मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो ये इधर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन केवल तीन वर्ड होते हैं, ईच, इधर और अगला है नेदर, एन आई एन ई आई टी एस ई आर, नेदर, नेदर ऑफ यू केम हियर, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट देयर, और दूसरा एग्जांपल है एदर ऑफ बुक्स कैन हेल्प मी, नेदर ऑफ यू केम हियर। तो ये सारे एग्जांपल जो है ईच, एदर और नेदर, ये तीनों वर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर होते हैं अनिश्चयवाचक, जिसमें व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई निश्चित जानकारी ना हो, राइट। जब सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई निश्चित जानकारी ना हो, वो प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे सम स्टूडेंट्स गॉट द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, अब इसमें सम स्टूडेंट यानी कुछ छात्र, राइट, इसमें छात्रों की संख्या डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, अर्थात अनिश्चित है। तो ये सम स्टूडेंट्स में जो सम वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मेनी ऑफ यू वेंट दिल्ली, ठीक है, मैनी ऑफ यू वेंट टू दिल्ली, इसमें आप में से बहुत से लोग बट नॉट डेफिनेट, अर्थात निश्चित नहीं है। तो दिस प्रोनाउन इज आल्सो इन द इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन भी इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है, जब संख्या निश्चित नहीं होती है वो प्रोनाउन इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम या संबंध सूचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए ही होता है, ठीक है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए होता है, वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, दोज हूम लव द गॉड्स डाई सून, ठीक है, अब इसमें हूम जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन, दोज Whom love the gods die soon,
वे व्यक्ति जिन्हें ईश्वर प्यार करता है जल्दी मर जाते हैं, राइट। तो इसमें होम जो है यहाँ नाउन से, ठीक है, ये गॉड्स नाउन है, इससे संबंध प्रकट करने का कार्य होम द्वारा होता है, ठीक है। तो ये होम जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा देखिए, आई नो द, आई नो द बॉय हु वांट टू मीट यू। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं हु वांट टू मीट यू, जो आपसे मिलना चाहता है। अब यहां आई का प्रयोग, आई जो है हु के साथ, ठीक है, आई का संबंध ये हु प्रकट कर रहा है, तो ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आपका और लास्ट भी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम, इस प्रोनाउन का निर्माण दो प्रोनाउन को मिला करके किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, दे नो वन अनदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे बोथ लव ईच अदर, ठीक है। अब इसमें पहला वाला वर्ड है वन अदर, दूसरा है ईच अदर। तो रेसिप्रोकल के प्रोनाउन के अंतर्गत ओनली टू वर्ड्स, ठीक है, पहला है वन अनदर, दूसरा है ईच अदर। ये दो ही प्रोनाउन हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग केवल और केवल ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन आर यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपका आज प्रोनाउन का वीडियो समाप्त हुआ।